खाने के डायरेक्ट इनको ऑर्डर कर दिया जाए। मनुष्य कितना नराधम हो सकता है, यह बात एक बार फिर से देखने के लिए मिली जलगांव के रावेर तालुका में। रावेर के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी परिवार किसी तरह खेतों की रखवाली कर अपना गुजर बसर कर रहा था। 5 बच्चों के साथ यह आदिवासी परिवार खुशहाली के साथ किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक गुरुवार रात को 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गयी, जिसका पता सुबह खेत के मालिक को चला और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां का नजारा देखकर तो पुलिस खुद सहम गई थी। मेहताब गुलाब सिंह भिलाला नाम के रखवाली करने वाले आदिवासी व्यक्ति के किसी रिश्तेदार की मध्य प्रदेश में मौत हो गई थी, जिस वजह से वह अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ दूसरे शहर आखिरी रस्मों में सहभागी होने के लिए गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद उसके समूचे परिवार की ये दशा हो जाएगी। रावेर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील बोरखेडा या गावाच्या शिवारामध्ये एका शेतामध्ये 4 अल्पवयीन मुलांची हत्या झाल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसत आहे। या मुलांची सर्व चारीच्या चारी, यामध्ये 2 मुलं आहेत आणि 2 मुली आहेत, तर यांची धारदार शस्त्राने हत्या केलेली आहे। या घटनेच्या संदर्भात FIR रावेर पोलीस स्टेशनला 302 IPC अंतर्गत दाखल केली जात आहे। इथे घटनास्थळावर एक कुऱ्हाड आम्हाला मिळालेली आहे, तिचा घटनास्थळ पंचनामा सुरू आहे आणि त्या शस्त्रानेच वार केल्याची एकंदरीत। शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख भी मौके पर पहुंचे, उनके साथ पूर्व मंत्री एकनाथराव खड़से भी मौजूद थे। सभी ने परिवार से मुलाकात की और परिवार को खुद को संभालने का साहस दिया। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगी कि इस आदिवासी परिवार को जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, जिसके लिए सरकार की तरफ से सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम को नियुक्त करने की बात भी मंत्री महोदय ने वहां पर बताई। ऐसा है कि जी घटना झाली अतिशय दुर्दैवी अशी घटना है, माणूस किला काळीमा फासणारी अशी घटना है आणि या घटनेमध्ये आमच्या पोलिसांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने तपास केलेला आहे। पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेला आहे, पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेला आहे आणि जे आरोपी आहेत त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। एवढंच मी आजच्यापर्यंत सांगतो आणि व्यवस्थित पोलिसांनी चौकशी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली आहे आणि ही संपूर्ण केस फास्ट ट्रॅकवर आम्ही चालू आणि उज्ज्वल निकम यांना ही स्पेशल PP म्हणून आम्ही इथं घोषित करतो। त्यांच्या माध्यमातून ही केस पुढे चालवण्यात येईल की जेणेकरून नियमानुसार जे काही पुढे आपली कोर्टामध्ये केस चालली त्याबद्दल लवकरात लवकर फास्ट ट्रॅकवर याचा निर्णय लागला पाहिजे, या पद्धतीनं ही केस चालू। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक आरोपी इस आदिवासी परिवार के सबसे बड़े भाई के मित्र ही बताए जाते हैं। दरअसल गांव के बाहर जाते वक्त बड़े भाई ने अपने मित्रों को परिवार की ओर ध्यान देने की गुजारिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मित्र उसके छोटे भाई बहनों के काल बन जाएंगे। गांव में चल रही बातों के मुताबिक 14 साल की एक बच्ची भी इस परिवार में थी, जो माँ बाप के बाहर जाने के बाद अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा करती थी। बड़े भाई के मित्र उसी बहन पर गलत नजर रखे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि अब परिवार में वहाँ कोई भी बड़ा उपस्थित नहीं है तो उन्होंने मदिरापान किया और फिर वे दुष्कर्म के इरादे से इस आदिवासी परिवार के घर चले गए, जहाँ पर उनकी बात बनते दिखाई नहीं दी। और चूंकि सभी लोग उन्हें पहचानते थे और वो उनकी पोल खोल सकते हैं, इस डर से उन्होंने सभी 4 भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया। वो मेरे को नहीं बताया पुलिस वाले, ये देखो कैसे क्या पता चला। इन्होंने बोला था कि बोले पुलिस वाले ने बोला था मेरे को कि बोले इन्होंने ये करके दिया, बोले कि नियत पलट गई थी, बोले उन्होंने बोला पुलिस वालों। मेरे को उनका फोन आया था मेरे दोस्तों का, तो मैंने इनको बोला कि अभी मेरे से घर पे आ जाने का नहीं, 10-11 बजे हमारे को रास्ते में, तो तुमने आ जाना। और मतलब उन्होंने बोला होगा, हाँ, मैंने बोला था उनको कि एक चक्कर मार देना, तो वो बोले मेरी नियत पलट गई, बोले पुलिस के सामने, मेरे सामने तो लाए भी नहीं उनको। आपके पहचान वाले थे क्या? हाँ, दोस्त थे मेरे। आपके दोस्तों ने घात किया? हाँ, दोस्तों ने ये कर दिया। पुलिस ने कत्ल में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 के साथ कड़ाई से पूछताछ हो रही है।
और चूंकि सभी आरोपी नाबालिग हैं, अतः बड़ी ही सावधानी से पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपी किसी भी तरह से बचने ना पाए। देखना है कि पुलिस कब तक सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है और आरोपियों को सजा कितनी जल्दी मिल पाती है। हालांकि गांव वाले तो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों को गांव वालों के हवाले कर दिया जाए और उन्हें भी वैसी ही मौत दी जाए जैसी मौत उन्होंने इन चार मासूम बच्चों को दी है। रावेर से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम् रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। हे गाइस,